नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ये आप देखिए, आज हमने आपके लिए बनाई है जैपनीज कुजीन की टेरियाकी नूडल्स, जो हमने मशरूम के संग बनाई है। ये इतनी टेस्टी नूडल्स बनती है, इसको आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए हम आपको बताते हैं ये हमने आपके लिए कैसे बनाई है। सबसे पहले हम टेरियाकी सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे हमने सोया सॉस ली है, ये हम डाल देंगे। ये हाफ कप से थोड़ी सी कम है, ये हम डाल देते हैं। सोया सॉस डालने के बाद इसमें तिल का तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब हमने डालना है, और साथ ही इसमें लेमन जूस डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून के करीब है, और साथ ही इसमें जिंजर मिलाएंगे, ये हमने चॉप की हुई है, ये हम डाल देते हैं, और स्प्रिंग अनियन का हमने ग्रीन वाला पार्ट लिया है, ये भी डाल देंगे, ये भी हाफ कप के करीब है, और 1 टेबलस्पून के करीब हनी मिलाएंगे। हनी डालने के बाद इसमें वाइट तिल मिलाएंगे, 1 टेबलस्पून के करीब है। फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और इसको स्लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको कुक करने में। बहुत ही ईजी है सॉस को बनाना, बहुत ही टेस्टी ये नूडल्स बनते हैं, इसको आप ज़रूर बनाएं। जो ये सॉस हम बना रहे हैं, मार्केट में आप लोगे तो काफ़ी कॉस्टली आपको मिलेगी, 200 ml के करीब ये मिलती है, 200 के करीब। ये हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, ये आप बनाएं। ऐसे इसको हम कुक करेंगे स्लो फ्लेम पे, 10 मिनट तक हम इसको ऐसे कुक करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पे कुक होते हुए सॉस को, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये थोड़ी पतली है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए। इस टाइम पे हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब हमने पानी में घोल के रखा हुआ है, ठंडे पानी में आपने घोलना है, ये हम डाल देते हैं, इससे थिक हो जाएगी ये सॉस। मिक्स कर देते हैं, अब ज़्यादा कुक नहीं करना हमने, 1 मिनट के करीब ही कुक करना है। बस एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, इसको स्लो फ्लेम पे ही आपने कुक करना है। ये देखिए अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, ये आप देखिए थिक होनी शुरू हो गई है। जैपनीज़ फूड तो आपको इंडिया में कॉमन मिलेगा नहीं, आपको 5-स्टार होटल्स में ही जाना पड़ेगा इसको खाने के लिए। ये आप घर में बनाएं, इसमें आप पनीर भी बना सकते हैं या वेजिटेबल्स भी डाल के बना सकते हैं। ये जो हम नूडल्स बना रहे हैं, हम मशरूम के साथ बना रहे हैं। बस इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे, ये सॉस बन के एकदम तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तिल का तेल हम यूज़ कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून के करीब हमने तिल का तेल लिया है। सबसे पहले हम इसमें गार्लिक डालेंगे, मिक्स कर देते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है गार्लिक की। बहुत ही मज़ेदार ये नूडल्स बन रहे हैं, इस तरह से आप नूडल्स बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। इस टाइम पे हम इसमें मशरूम डालेंगे, मशरूम को हमने हाफ कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये डाल देते हैं, और फ्लेम इस टाइम पे हाई होनी चाहिए, स्लो फ्लेम पे हमने कुक नहीं करना, क्योंकि मशरूम में बहुत पानी होता है। साथ ही इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे और ब्लैक पेपर पाउडर मिलाएंगे। जैसे ही हम नमक डालेंगे, आप देखेंगे कि मशरूम पानी छोड़ देंगे। मिक्स कर देते हैं, यहाँ आप देखिए पानी आ गया ना, मशरूम अपना पानी छोड़ रहा है, इसलिए हमने हाई फ्लेम की हुई है, हमें पानी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, फ्लेम हम स्लो करेंगे। हमने पहले से ही नूडल्स बॉईल करके रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं,
एक्चुअली जो ये ऑथेंटिक रेसिपी है ये राइस नूडल से बनती है, हम नॉर्मल जो नूडल्स है वो यूज़ कर रहे हैं। ये हम डाल देते हैं, राइस नूडल से आप बनाएं उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। मिक्स कर देते हैं एक बार। अब हम इसमें तरियाकी सॉस डालेंगे जो हमने बनाई थी। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है इस टाइम। मिक्स कर देते हैं। कलर आप देखिए कितना अच्छा हो गया है नूडल्स का, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा ऐसे टेस्ट आएगा आपको इसका, बहुत ही टेस्टी ये नूडल्स बनते हैं। बस हमने मिक्स ही करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना हमने। ये अच्छे से मिक्स हो गया, फ्लेम हम ऑफ करते हैं। ये नूडल्स बनके एकदम तैयार हो गई है, अब हम प्लेटिंग करते हैं। जैपनीज कुजीन की टेरियाकी नूडल्स बनके एकदम तैयार हो गई है, इसको आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। देखा आपने हमने कितनी जल्दी से इसको बनाया है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।